कैसी हैं आप लोग? प्लीज मानना मत। तो सर एक हम इस बार सीरियस टॉपिक लेके आए हैं, वन नाइट स्टैंड। आप जानते हैं वन नाइट स्टैंड क्या होता है? नहीं। Actually, it is not a stand, it is a lie down, I think. To having a physical with someone. To having a physical with someone. इतना क्यों शर्मा गया? आज की जनरेशन में मुझे लगता है सबसे बेस्ट पार्ट यही है। It's very common, it's pretty common in Delhi, especially. Okay. Yeah. बच्चे-बच्चे में क्रेज़ी चीज़ का तो आजकल। Actually क्या है कि जब तक कोई चीज़ समझ में नहीं आएगी उसका जवाब हम नहीं दे सकेंगे। समझ में नहीं है आपको वन नाइट स्टैंड क्या होता है? तो अब मैं आपको बताता हूँ कि दो कंसेंटिंग इंडिविजुअल्स, एक मैथुनिक यानी योनिक या एक सेक्सुअल रिलेशनशिप जो सिर्फ एक रात लास्ट करता है, नंबर्स भी एक्सचेंज नहीं होते हैं जैसा कि अभी हमें पता चला है, ओनली यू मेट फॉर सेक्स एंड देन तू कौन मैं खामखा, यंग लोग या आपकी जनरेशन में? सर वैसे हमारे कोई संपर्क नहीं होते। अच्छा, सीधे साधे आदमी है, सीधे साधे लोगों के बारे में अच्छी तरह जानते। मतलब सीधे साधे लोग ऐसी गतिविधियों में भाग नहीं लेते? नहीं लेते। पर हमारे टाइम में कुछ भी नहीं था सर। नहीं, आपके टाइम पे बिल्कुल नहीं था। होना चाहिए था। क्यों 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 क्यों? लेडी आपकी कहते हैं सेक्सुअली पावर हो तो आदमी कहीं जाएगा नहीं। डेफिनेटली तो नई जनरेशन तो इस बात को समझ पाएगी, हमारे लेवल तक की बात नहीं। राम रहीम पे क्या कहना है आपका? राम रहीम का तो नाम ही अजीब था, कहना क्या है? सर जॉइंट फैमिली में से ऐसे इंटीमेट मोमेंट्स या सेक्स करने में दिक्कत नहीं होती थी? पहले भी तो 8-9 बच्चे होते थे, अब तो एक ही होता है। अगर मौका नहीं मिलता तो 8-9 कैसे होते हैं? शर्मा आ गए आप। एक रात के लिए अपनी हवस मिटा रहे हो। तो इसमें हंसने की क्या बात है? इट्स अ नेचुरल नीड यार, इट्स अ नेचुरल नीड। मोस्ट डिजायरस थिंग्स इन दिस वर्ल्ड इज सेक्स। ऑफिस में इतना स्ट्रेस होता है, बीवी में इतना स्ट्रेस होता है, तो ये जो लाइफ साइकिल है इसीलिए आदमी इधर उधर भागता है। ये सुनने में जो वर्ड है ना, ये बहुत गलत लगता है। कौन सा वर्ड? जो अभी आपने वन नाइट स्टैंड। ये बहुत गलत है, इसका हम बोल सकते हैं। पर सेक्स के बारे में हमें और ओपन नहीं होना चाहिए क्या? ज्यादा भी नेगेटिव होता है। क्यों नहीं? क्यों मर्यादा तो होनी चाहिए। हमारे में और एनिमल्स में फिर फर्क क्या रह गया? वाओ, ये पॉइंट मैंने नहीं सोचा था। मतलब कल्चर को बोलना नहीं चाहिए। कल्चर, वो कल्चर के चलते ही तो मैं आया हूँ वन नाइट स्टैंड, क्योंकि सर महाभारत तो आपने पढ़ी होगी। हाँ, महाभारत तो मालूम है। यू सीम लाइक अ लर्नड पर्सन। यस। तो सर ये जो धृतराष्ट्र, पांडु, विदुर और कर्ण भी कैसे पैदा हुए? अब बुरा मत मानना। होंगे तो सेक्सुअल लेवल पे, और कोई तरीका नहीं। डेफिनेटली आपको लगता है इंडियन कल्चर का पार्ट है वन नाइट स्टैंड? एक सीता माता है, जो एक औरत वो है जो चार पलड़ों में रह के अपने गृहस्थी संभाल रही है। एक लेडी वो है जो ओपनली सब कुछ ऐसे करके दिखा रही है। तो हमारी आने वाली जनरेशन को आप क्या शिक्षा दे रहे हैं? क्या लड़की क्या शिक्षा दे रही है, लड़का क्या शिक्षा दे रहा है? वी आर इंडियन एंड वी शुड लाइक आई थिंक वी हैव आवर लिमिट्स। दे आर मिथिकल कैरेक्टर्स, डोंट डिपेंड ऑन दैट। आई डोंट थिंक हैव यू सीन देम? कृष्ण जी यूज्ड टू एनकरेज अर्जुन टू फाइट, राइट? तो अब लड़ाई कर लो, यू नो दिस इज नो लॉजिक। मास्टरबेशन भी करते हैं लोग, इट्स लाइक दैट ओनली, और क्या। एंड इफ दे आर नॉट गेटिंग मैरिज अप टू 30-40 एंड ऑल दैट, देन व्हाट विल दे डू? Agreed. तो ये अब ये लोगों की समझ में आ चुका है कि ये कोई कल्चर फल्चर जो ये चीज़ें थी ये हमारी बनाई हुई हैं, ये वक्त के साथ बदलती रहती हैं। एक बार आप बोल के तो देखो। एक बार देखते हैं आपको बोलने में शर्म आती है कि नहीं, एक बार बोल के देखो। एक बार सर आप तो कुछ बोल नहीं रहे। ये अपनी घरवाली से भी बात नहीं करते? घरवाली से क्यों नहीं बात करते? इनको भी यही शिकायत है, वो मेरे से बात करती है। बोलिए ना, हैशटैग सेक्स एंड संस्कार गो टुगेदर। सेक्स एंड संस्कार गो टुगेदर। एक बार फिर सेक्स, देयर इज नो लाइफ। हैशटैग जो मैं बोल रहा हूँ आपको बोलना है। इट्स नॉट नेसेसरी व्हाटएवर यू से आई विल से। रिलैक्स कर यार, रिलैक्स करो यार।